राज जानना चाहूंगा क्या खास लगा इस शो के बारे में। अरबाज सर का शो है और हम सब अरबाज सर को इतना प्यार करते हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया है पहले एज अ प्रोड्यूसर डॉली की डोली में। और ये पिंच है, इट्स अबाउट यू नो टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, हालांकि मैं सोशल मीडिया पे खुद इतना एक्टिव नहीं हूँ, पर आई थिंक इट वाज गुड फन। जिस तरह से पूरा शो डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही कंफर्ट के साथ, बहुत ही मस्ती के साथ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं किसी और शो में किसी और इंटरव्यू में नहीं बोल पाया था वो यहाँ पे आज हमने शेयर किए हैं। क्या राज बोले आपने ज़िंदगी के, जैसे आपने कहा कि बहुत सी चीज़ें आप एक कंफर्ट जोन होता है किसी हाँ। भी शख्सियत के साथ, और यहाँ एक कंफर्ट जोन आप शेयर करते हैं अरबाज के साथ, जी क्या राज खोले हैं जो पता लगने वाला है? राज ऐसे कि कुछ कभी आप कुछ लिखते हैं सोशल मीडिया पे जो आपका कुछ और थॉट होता है लिखने का, लेकिन लोग कुछ और तरीके से उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो वो सब चीज़ें, वो सब क्लैरिफिकेशन जो है वो इस शो के जरिए बाहर आ सकती हैं, या और चीज़ें कि व्हाट माय पर्सनल व्यूज आर ऑन सोशल मीडिया। सो आई थिंक बहुत कुछ डिस्कस हुआ है। हू इज़ अ बेटर होस्ट एंकर, ठीक है, सवाल ज़्यादा कौन करता है, सलमान या अरबाज? भाई भी करते हैं 10 का दम और भी बहुत से, बिग बॉस का भी वो होस्ट करते हैं, कौन तीखे सवाल ज़्यादा करता है? मैंने सलमान खान के साथ 10 का दम भी किया है, वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया था, हम लोग स्ट्रीट प्रमोट करने गए थे मैं और श्रद्धा, वहाँ पर ऑफकोर्स क्योंकि वो एक क्विज शो है तो वहाँ पे हमको गेस करना होता है, और यहाँ पर इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल शो अरबाज सर के साथ जो है, इट्स मोर अबाउट योर पर्सनल यू नो सोशल लाइफ एंड हाउ यू सी इट। तो ठीक है सवाल नहीं करते हैं अरबाज, आप ये कह रहे हैं? बहुत स्वीट है, बहुत बहुत प्यारे हैं दोनों, और दोनों को हम बहुत प्यार करते हैं ऑफकोर्स। थैंक यू।